बिहार पुलिस को कोई हक नहीं है सुशांत सिंह राजपूत के केस को इंटेरोगेट करने का। वेल, ये कमाल का स्टेटमेंट दिया है, मैं बता दूं आपको, मुंबई पुलिस के कमिश्नर। जी हाँ, मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने क्या कुछ और बातें कही हैं, चलिए आपको बताती हूँ। वेल, हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। आप सुनकर शॉक रह जाएंगे, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने कहा है, हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और जहाँ पर आकर उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस को इस केस में दखलंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिहार पुलिस का कोई हक नहीं बनता कि वो सुशांत सिंह राजपूत के केस को इंटेरोगेट करें। एंड उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस अच्छी तरीके से जानती है कि उनका क्या काम है और उन्हें क्या करना है, और मुंबई पुलिस केस को आगे लेकर जा रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साथ ही साथ कमिश्नर सर ने ये भी कहा कि मुंबई पुलिस जो है वो ये चाहती है कि ये सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है ये बिहार से मुंबई शिफ्ट कर दिया जाए, बिहार में जो FIR की गई है उसको खारिज कर मुंबई में कर दिया जाए, और बिहार पुलिस का बिल्कुल हक ना बने इस चीज़ पर, और हक नहीं बनता उनका इंटेरोगेट करना। वेल वेल वेल, एज एन ऑडियंस हम ये सवाल डेफिनेटली पूछना चाहेंगे कि जब सुशांत की फैमिली ने 25 फरवरी को आपको अप्रोच किया था, यानी कि मुंबई पुलिस को अप्रोच किया था, तब मुंबई पुलिस कहाँ थी, और उसके बाद जब लगातार बहनें जो हैं वो ये कह रही थी कि FIR लिखी जानी चाहिए, तो फिर FIR क्यों नहीं लिखी गई, और अब जब बिहार वाले यानी कि बिहार पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो फिर क्यों मुंबई पुलिस जी जान लगा रही है, हर एक पॉसिबल कोशिश कर रही है मुंबई पुलिस कि ये जो केस है सुशांत सिंह राजपूत का ये मुंबई आ जाए, ताकि आप अपने हिसाब से केस की इन्वेस्टिगेशन कर सको, क्योंकि अब तक 2 महीने होने को आ रहे हैं और सुशांत सिंह राजपूत के केस में मुंबई पुलिस ने तस से मस की भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन बिहार पुलिस के सीन में एंटर होते ही कई सारे राज खुल चुके हैं। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में, आप हमें बताइए दिए गए कमेंट सेक्शन में, और मुंबई पुलिस के कमिश्नर की बातों से आप कितने सहमत हैं ये भी बताइए।